हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सी स्टूडियो पर हम दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सी स्टूडियो का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूं। आप कोड ब्लॉक्स पे भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पे स्टार्ट हियर पे क्लिक करेंगे हम और यहां फाइल पे जाएंगे और यहां पर फाइल का नेम सेव कर लेते हैं edition.c। ओके, सी लैंग्वेज हम कर रहे हैं, गो। तो यहां पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप अब यहां पे हमें अपना कोड लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h, फिर हैश इंक्लूड kunio.h। ओके, इसको यहां से नीचे कर लेते हैं। इसके बाद void main जो फंक्शन हम यूज करते हैं, void main, तो उसको लगाते हैं। void main, main हमारा फंक्शन है और void एक कीवर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने की बारी। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल हम बना लेते हैं, ए बी सी। ओके, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, चूंकि ये सी स्टूडियो है तो सी एल आर एस सी आर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा एंटर टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ यूजर दो नंबर एंटर करेगा कोई भी। ठीक है, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करेंगे हम। टर्मिनेशन देने के बाद स्कैनफ लगाएंगे, यूजर एंटर करेगा इसलिए स्कैनफ। ठीक है, चूंकि दो नंबर हैं तो %d%d। ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ओके, और इसके बाद यहां पर करेंगे इसको टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद इसको करेंगे डिफाइन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और ये अब इसको प्रिंट करवा लेंगे प्रिंट एफ से। तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ में क्या देंगे, %d इज एडिशन। और ये जाकर कहां स्टोर होगा, सी में। तो ये हमने यहां पे लिख दिया है। यहां पर हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, आपको ध्यान देना है। तीन वेरिएबल हमने बनाया है लेकिन इसका हमने डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है, तो यहां पे इंटीजर दे देंगे। मैं अभी आपको फ्लोट भी लेके दिखाऊंगा। ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। ओके, इसको यहां से थोड़ा इधर, तो ये यहां पे ये छूट गया है, इसको लगा लेते हैं सेमीकोलन। ओके, अब इसको सेव करेंगे और यहां से रन करवाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये विंडो आ गई है, इसमें कह रहा है एंटर टू नंबर्स। तो आइए एंटर करते हैं दो नंबर्स। यहां पर एंटर किया हमने 7, ओके, एंड सेकंड नंबर 8। तो देखिए यहां इन दोनों का एडिशन होकर आ गया है, 7 और 8 का एडिशन 15। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रोग्राम रन कराते हैं, यानी कि अब हम इसमें फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो आइए यहां पे लिखते हैं हम फ्लोट। ठीक है, प्रोग्राम सेम रहेगा, फ्लोट डेटा टाइप हम लगाएंगे। यहां पे फ्लोट लगाया हमने और इसको सेव करते हैं, देन इसको रन करते हैं। तो अभी देखिए ये रन तो हो गया है, लेकिन यहां पे हमें %d की जगह कुछ और करना है, नहीं तो गलती होगी, हमारा प्रोग्राम सही से नहीं चलेगा, सही से वर्क नहीं करेगा। जैसे यहां पे मैंने 7 लिखा और यहां पे 7 लिखा, तो आउटपुट हमारा गलत आएगा। देखिए ये आउटपुट नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहां पे होगा, तो यहां पे %f करिए आप, %f। ठीक है, चूंकि फ्लोट वैल्यू है तो %f तो होगा ही होगा। ठीक है, %f %f। ओके, यहां पे फ्लोट लगा दिया हमने, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सेव कर सकते हैं और इसको रन करवाएंगे। ये रन भी होगा प्रोग्राम हमारा, 7 लिखा हमने, ठीक है, और 8 लिखा, तो ये देखिए इन दोनों का एडिशन होकर आ गया 15। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि सी स्टूडियो में कैसे ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।